तीसरे पार्ट, अब लड़की ने अपने आप को जहर वाला इंजेक्शन लगा लिया था। फिर धीरे धीरे लड़की को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और वो आदमी उससे पूछता है कैसा लग रहा है। केटी को भी ऐसा महसूस हुआ होगा। उस दिन पाइप लड़की पूछती है कौन। केटी आदमी बोलती है उन्हीं में से थी जिनको तुमने लुटा है। एक दिन जब तुमने वॉशरूम में उसका पर्स चुराया था और दरवाजे को बंद कर दिया था, उसको अस्थमा था, तुमने पर्स में इन्हेलर देखा पर वो तुम्हारे काम का नहीं था, इसलिए तुमने उसे फेंक दिया। तुम मेरी पोती की जान बचा सकती थी। इतने में वो लड़की उठकर आदमी के पास आती है और 911 पर कॉल करने को बोलती है, मेरी जान खतरे में है। अब वो लड़की भागकर अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। वो उस आदमी को सॉरी बोलती है कि मेरी मदद करो। आदमी बोलता है तुमने भी केटी की मदद नहीं करी थी, अब तुम्हारी भी कोई मदद नहीं करेगा। लड़की बोलती है वो लोग आ रहे हैं। आदमी पूछता है कौन आ रहे हैं। लड़की बोलती है 911 पाइप। जब वो आदमी अपनी स्मार्ट वॉच को देखता है तो उसमें 911 को कॉल लगी हुई था। वो सोचता है जब लड़की उससे मदद मांगने करीब आई थी तो उसने आदमी की वॉच से 911 को कॉल लगा दी थी और मदद मांगी थी। बूढ़ा आदमी जल्दी से कॉल काट देता है। अब हम देखते हैं कि 911 वालों ने इस लड़की की जान बचा ली और बूढ़े आदमी को पुलिस ने पकड़ लिया था और लड़की ने भी अपने आप को पुलिस के हवाले कर देती है।